कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका जिंगार फैमिली ब्लॉग्स पे। वापस से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के घर में गणपति बप्पा आए होंगे, तो सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से कि आप अच्छे से बप्पा की सेवा करो। अगर आप नहीं भी रख रहे हो गणपति बप्पा, तो आप पंडाल विजिट करके बप्पा की ब्लेसिंग्स जरूर लेना। आज समस्त दिन की शुरुआत बप्पा को देखते हुए हुई है और सोते वक्त भी बप्पा को देखते हुए हुई है। बहुत बढ़िया सा एकदम फीलिंग आ रही है। और वैसे कल के ब्लॉग में अम्मू ने बताया था कि हमने कुक रखा है। आपको पता है मेरी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से अभी फ़िलहाल के लिए हमें कुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो कुक रखा है। और बता देती हूँ क्या क्या बनाया है। यहाँ पे पोहा बनाया हुआ है, जो मैं अभी भगवान जी को एज अ भोग चढ़ा रही हूँ। मतलब कैसे होता है ना, हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी आप खाते हो ना, वो आप भगवान जी के साथ में शेयर करते हो। और तामसिक भोजन तो होता नहीं है, सब सादा होता है। तो ऑब्वियसली पोहा बना है और अपना फेवरेट है पोहा, आप लोगों को पता है। तो पापा को भी पोहा तो देना पड़ता है ना। उनकी फेवरेट चीज़ें भी हम भोग में बनाया करेंगे, बट साथ ही साथ हम जो खाते हैं वो भी तो शेयर करें पापा के साथ, है ना। तो पोहा है, यहाँ पे आलू की भाजी है और ये पूरियाँ हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मेहमान आते तो पूरियाँ बहुत कम है, ये तीन इंसान खा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और आलू की भाजी मैं नहीं खा सकती, मुझे अलाउड नहीं है, बिकॉज मेरा अभी रिसेंट ऑपरेशन हुआ है। तो मैं दाल बना लेती हूँ, है ना, और राइस चढ़ा देती हूँ और थोड़ी पूरियाँ और बना देती हूँ। और प्लान है कि मैं आज बनाऊँगी चावल की खीर पापा के भोग के लिए, ठीक है। तो ये मीठे में आज बनेगा। कल तो हमने रवा बनाया था, एंड आप लोगों ने ब्लॉग देख ही लिया होगा कि किस तरीके से हमारे घर में पहली बार पूजा हुआ। हम एज अ लव मैरिज कपल और एज अ मिडिल क्लास फैमिली, एज अ न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पे बड़ों का सपोर्ट है नहीं, बट स्टिल हमने बहुत कोशिश की है कि हम पापा का स्वागत अच्छे से कर सकें और उनके लिए जितना जो हो सकता है ना वो हम कर रहे हैं। और कुछ गलतियाँ हो जाती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप हमारी हेल्प करने के लिए हो, हमें पता है, एंड आप अच्छे से गाइड करोगे, ये हम जानते हैं। चलो फटाफट मैं भोग की तैयारी कर लेती हूँ एंड मिलती हूँ आप लोगों को। गुड मॉर्निंग गाइज, बप्पा की तरफ से भी आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग ने एक प्लान सोचा है थोड़ा डेकोरेशन में। कल मैंने ये लाइट्स लाके लगाई, छोटी छोटी से अच्छी लग रही है। और ये जो कलर चेंजिंग वाली लाइट है ना, इसको हम पीछे रखने वाले हैं, ताकि पीछे वो और बप्पा के लिए एक मेन स्टेडी लाइट लेके आने वाले हैं वाइट कलर के, जिस ताकि बप्पा के दर्शन हो अच्छे से। वो कलर चेंज वगैरह की वजह से वो दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, हमको हो रहे हैं बट कैमरा में नहीं। तो वो चेंज करने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ पप्पा के लिए हार लेने और दूध लेने, ताकि पप्पा के लिए खीर बन सके और उनको भोग लग सके और आरती हो सके। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से थोड़ी ही देर में। गुड मॉर्निंग गणपति पप्पा मोरिया। क्या बोलती छोकरी, सुबह सुबह रेडी होके? मंगल मूर्ति मोरिया। आता हूँ मैं। चावल थोड़ा सा भिगा के रख दिया दोस्तों, मैं यहाँ पे खीर के लिए तैयारी कर रही हूँ। साल भर का ना ये हार फूल वाले एक साथ ही निकाल लेते हैं, 40 रुपए में इतनी छोटी माला है। गाइस मैंने गोकुल 200 रुपए की माला, हाँ 200 रुपए की कितनी नॉर्मल सी माला थी। गाइस मैंने गोकुल का दूध लाया, मलाई बहुत रहती है इस दूध में। पप्पा के लिए खीर बनेगी तो थोड़ी अच्छी बननी चाहिए ना। यहाँ पे ड्राई फ्रूट हो गया, कल वाला ड्राई फ्रूट लगता है वो पंडित जी ले गए ना, 100 ग्राम जो लाए थे अपन। और मिठाई भी पूरा एक पैकेट लेंगे। दोस्तों यहाँ पे अम्मू सारी क्लीनिंग कर रहे हैं, सारे हार फूल जो भी है कल के वो सारे निकाल रहे हैं। पप्पा के पूरे दर्शन भी प्रॉपर होना, तो पप्पा को पूरा क्लीन करके बस हार डालेंगे अपन। हाँ सिंपल, ओके। और आगे का भी थोड़ा ये सब क्लीन करके फिर तब तक तुम खीर बना लो और फिर भोग लगा के आरती करते हैं। ठीक है, यहाँ बन रही है मेरी खीर। दूध चढ़ाया मैंने, शक्कर डाल दिया, यहाँ पे कट कर लिया था और चावल भिगाने के लिए रख दिया था। एक बार दूध में उबाल आ जाए तो फिर अपन चावल डाल देंगे। क्या ये 30 रुपीज का पड़ेगा? अच्छा, अभी क्या करें, अच्छे हार मिल ही नहीं रहे छोटे में, अपने पप्पा छोटे हैं ना। बट हाँ पप्पा तो छोटे हैं, चलो। और ऊपर से वो लोग बोलते हैं कि बना के भी नहीं देंगे। मैंने बोल के पूछा था कि अलग से बना के दोगे क्या, तो नहीं बोल रहे। बाप रे, मतलब जो 40 रुपए की हार मिलेगी ना अभी पप्पा जाने के बाद में, वो हार 200 रुपए की मिलेगी। दोस्तों अच्छे से बप्पा के दर्शन कर लो, क्योंकि अभी हार चढ़ने वाला है ना। उससे पहले आपको एक बार दिखा दें, इको फ्रेंडली बप्पा है अपने, जो अपन ने ऑर्डर किए थे फेटे वाले। तुमचा फेवरेट गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। एक कलश है, पूरी पूजा देखते हैं। हाँ। और
बताते हैं अपन ने सही से की या नहीं। ये बप्पा है मेन, जिनके अपन ने पूजा की, ये अपनी कुल देवी का बनाया है। ठीक है दोस्तों, कब से मैं पका रही हूँ यार, ये खीर पकी नहीं रही है, चावल पकी नहीं रहा है। तो दोस्तों बप्पा का भोग लग चुका है, बप्पा को भोग लगाने जा रहे हैं, फिर होगी आरती। मेरी सोनू ने बना ली है मस्त, कितनी अच्छी लग रही है बताए वो खीर देख के, और बहुत पूरी भाजी भी मस्त लग रही है। बहुत बहुत यम, दोस्तों बहुत टाइम लग गया ये चावल की कैसे कलर इधर उधर लग गया। ठीक है कोई नहीं दोस्तों, आज पप्पा अच्छे दिख रहे हैं ना, एकदम ओपन हो गए। तो आओ पप्पा खाना खा लो, खाना खा लो पप्पा, खाना खा लो, ताली बजाना है जोर जोर से। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश जय, गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, दीनन की लाज राखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। मोरिया मोरिया मयूरेश्वरा मोरिया। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छे से आरती ले लो, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आरती मैं हूँ, आरती ले लो बाबू, प्लास्टिक खाने की तैयारी कर रहा है बस। क्या तुम इधर अक्कल मांग रहे हो, तुम गधे ही हो बन रहे हो। लो दोस्तों एक बार पप्पा के अच्छे से दर्शन कर लो। दोस्तों श्रुति आ चुकी है घर पे, क्या लाई है पप्पा के लिए, अब ये नहीं पूछूंगी क्या लाई है मेरे लिए। ओ ऐसा, अच्छा वाओ मस्त है। हार बीच वाला मिला नहीं मेरे को, फ्लावर ना अभी नहीं मिल रहा है। चलेगा चलेगा मस्त है ये भी, थोड़ा अभी घूम के आया, थोड़ा पानी। अच्छा हाँ पुरानी भीगा सकते हैं। मम्मी बोली कि ये डालो और यहाँ से देखो, फिर यहाँ से एडजस्ट करो। गणपति बप्पा मोरिया अच्छा लग रहा है। दोस्तों देखो श्रुति ने लाया ये, पकड़ो जान पकड़ो। अच्छा उंगली में पहनने का। दोस्तों पापा को पहनाने जा रहे हैं हम ये प्यारा सा ज्वेलरी। हम थोड़े लेट हो गए क्योंकि हम भूल ही गए थे कि उन लोगों ने उसमें पियर्सिंग दिया हुआ है। दोस्तों पापा पहन रहे कान में, ठीक है देखो मत, अभी टाइम लगेगा। दोस्तों भगवान जी ने पहन लिए दोस्तों, थोड़ा बड़ा हो गया बट अच्छा लग रहा है। आ जाओ दोस्तों पापा का प्रसाद ले लो, पूरी भाजी, और सोना ने बहुत ही मस्त ये आलू की खीर बनाई, और वो एकदम दूध गरम कर करके ना वो एकदम मलाई वाली खीर हो गई है, और ये भाजी और पूरी भी बहुत अच्छी बनाई है, मुझे कुक ने बनाया अपने बप्पा के प्रसाद में, मैजिक है। सोना ने आलू की भाजी नहीं लिया क्योंकि उसको मना है, श्रुति ने खीर नहीं लिया क्योंकि उसको दूध नहीं चलता, मैं ही सब खाता हूँ बप्पा का, क्या मलाईदार खीर हो गई है यार। दोस्तों आज शाम की आरती के लिए उठ जाओ, शाम की आरती होने जा रही है, उठ जाओ उठ जाओ। दोनों उठे हुए ही है। मैं ये बोल रहा था कि अभी डेढ़ दिन के कितने घरों के गणपति जा रहे हैं, मतलब ऐसा पता ही नहीं चला होगा उनको तो यार। हम लोग सोच रहे अच्छा हुआ पप्पा हमारे घर पांच दिन मतलब हमारी तो सोना का ऑपरेशन हुआ है, इतनी सिचुएशन बेकार है फाइनेंशियली भी, बट बप्पा ने हमारा घर चुना, हम कौन है बप्पा को लाने वाले, बप्पा हमारे घर आए हैं और 5 दिन के लिए आए हैं, इतना अच्छा माहौल है। चलो आरती करते हैं, खुशी ये है कि हमारे डेढ़ दिन के नहीं है तो आज नहीं जा रहे हैं, बाकी सब देखो बाहर कितना बज रहा है, हो गया आवाज आ रही है, मतलब माता जाती पार्वती पिता महादेव, राजा को शंभु सुत वारी, मोरिया मोरिया विघ्नेश्वर मोरिया, मोरिया मोरिया रे बप्पा मोरिया रे।
मोरिया गणपति बप्पा मोरिया 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 गणपति बप्पा मोरिया मोरिया मंगल मूर्ति श्री गणेशाय नमः रिद्धि सिद्धि सहिताय नमः सदा सर्वदा योग पूजा तुझे कारणी देव माझा पराव उभे शिनु मको गुणवंता अनंता देखो मैंने हाथ जोड़ के रखा है कैमरा भी ऑन है ओ माय गॉड ऑल द सब्सक्राइबर्स बप्पा की आरती ले लो प्रे करो बप्पा बहुत धूमधाम से आए बहुत धूमधाम से रहे खुश रहे और मेरी सोना हेल्दी रहे हम सब हेल्दी रहे श्रुति हेल्दी रहे मेरा म्याऊ हेल्दी रहे हमारा पूरा परिवार हमारे जान पहचान वाले आप सब अच्छे से हेल्दी रहे बस हेल्दी रहे यार बाकी सब तो हो जाता है सही बात है दोस्तों ये मैंने खुद समझ लिया है अभी कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है हेल्थ है तो आप मेहनत कर सकते हो हेल्थ है तो आप प्यार बांट सकते हो प्यार ले सकते हो मतलब बहुत कुछ सब कुछ कर सकते हो तबीयत ही खराब है तो कुछ नहीं हो सकता है वही सही बात है ये तो हमने रियलाइज कर लिया तो जस्ट अभी मैंने चेंज किया आरती वगैरह हो गई थी जस्ट देखो मौसी आई है और राशि आया है दोनों भी एकदम मस्त ट्विनिंग कर रहे हो मस्त प्यारे लग रहे हो जरा खड़े हो उधर उधर मौसी के बाजू में वाह वाह दोनों देखो माँ बेटी ट्विनिंग कर रहे हैं मस्त ये मेरी मम्मी के लिए देख के खुश हो जाएगी ना कल अपन चढ़ा देंगे भगवान को मौसी भी चली गई बहुत अच्छा लगा मौसी आई बहुत देर तक हमने बातें की बहुत पुरानी बातें नई बातें सारी ऐसे बातें निकली एंड बस उसी में टाइम चला गया मुझे भी थोड़ा सा अच्छा फील हुआ एंड जब पापा है और घर में लोग आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है बस वही सारी चीज़ें हुई उसके बाद में अभी मैंने यहाँ पे कपड़े धोने के लिए लगाया है बिकॉज जितना हो सकेगा मतलब जो कपड़े यूज किए हुए हैं वो रखने नहीं चाहिए तो मैं धोते जा रही हूँ तो जितने भी बने हैं अभी कपड़े ना वो सारे मैंने धोने के लिए लगा दिए आज डेढ़ दिन की गणपति गई है तो इतना बाहर आवाज़ इतना शोर है कि क्या ही बोलूँ यहाँ पे देखो म्याओं को तो मैंने यस चेंज कर लिया है बिकॉज आपको पता है मेरे हेल्थ इश्यूज़ है तो मैं एकदम तैयार होकर ऐसे पूरा टाइम नहीं रह सकती हूँ मुझे चेंज करना बहुत जरूरी होता है तो बस वही चेंज कर लिया है और यहाँ पे मैं खाना बनाने जा रही हूँ बहुत टेस्टी बना दोस्तों मस्त डोसा बनाया चटनी बनाया और बटाटे की भाजी थी सुबह की भाजी बच गई थी ना भाजी बहुत टेस्टी बनी और डोसा तो अच्छा बना ही रही हो तो और चटनी तो तुम्हारी ऑसम है साथ में खाना है तो यही खा लेना क्योंकि मेरे से वो खिचड़ी वो दाल चावल ऐसे जा नहीं रहा है श्रुति भी निकल रही है कितना बज रहा है दस बज रहा है थैंक यू सो मच देखो क्या ही मैं थैंक यू बोलूं बट फिर भी नहीं वो उसका घर है लेकिन उसको भी काम धंधा है ना फिर भी वो छोड़ के आ रही है ना इसीलिए थैंक यू बोल रहे हो अप्रिशिएट करना चाहिए ना इसलिए नहीं कुछ नहीं जल रहा है मेरा डोसा ओके